नमस्कार दोस्तों, मोर इन्फो चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेंगिंग वीज़ा के बारे में। दोस्तों, मैंने इससे पहले दो एपिसोड और बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले कृपया उन्हें देखिए और फिर इस तीसरे एपिसोड को कंटिन्यू कीजिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ BFS ग्लोबल के ऑफिस में जमा करने होते हैं। दोस्तों, आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सावधानी और ईमानदारी से भरा हुआ, साइन किया हुआ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म के साथ आपको दो रिसेंटली खींचे हुए फोटोग्राफ, जिसमें आपका 80% चेहरा होना चाहिए, मैट फिनिश पेपर और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स है वैलिड पासपोर्ट, यह 10 वर्ष से ज़्यादा पुराना ना हो तथा 6 मंथ की वैलिडिटी अभी बाकी हो। पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज खाली भी होने चाहिए तथा पासपोर्ट के पहले व आखिरी पेज की फोटोकॉपी, और पासपोर्ट पर यदि पहले से कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपकी यात्रा की पूरी डिटेल, आइटिनरी तथा राउंड ट्रिप, एयर टिकट व सभी होटल्स की बुकिंग, जहां आप स्टे करेंगे वह भी होनी चाहिए। आप जितने दिन यूरोप यात्रा कर रहे हैं उसका ट्रेवल व हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी यात्रा अवधि से कम 2 दिन अधिक होना चाहिए और मिनिमम 30,000 यूरो या उससे अधिक का रिस्क कवर होना चाहिए। दोस्तों, यूरोप यात्रा पर जाने से पूर्व आपके पास एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए। यूरोप यात्रा से पूर्व आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें आपकी पूरी ट्रिप पर होने वाले खर्च से 3-4 गुना बैलेंस होना चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि यह बैलेंस हाल फिलहाल में ट्रांसफ़र एंट्री से ना लिया गया हो, आपके बैंक अकाउंट में यह पहले से एग्जिस्ट करता हो। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको BFS ऑफिस में जमा की गई वीज़ा फीस की रसीद भी जमा करनी होती है। दोस्तों, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको लेटेस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, यात्रा अवधि के लिए छुट्टियों की मंजूरी लेटर NOC तथा पिछले 3 वर्ष का इनकम टैक्स का रिटर्न शो करना होता है। और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्म का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और 3 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न भी शो करना होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, लास्ट ईयर की लेटेस्ट मार्कशीट तथा नो ऑब्जेक्शन लेटर स्कूल या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। आपको प्रूफ करना होगा कि वर्तमान में आपकी पढ़ाई जारी है और आप नियमित छात्र हैं। इसके अतिरिक्त आपकी यात्रा के स्पॉन्सर कौन हैं, उनके संबंधित सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आदि होने चाहिए। और यदि आप रिटायर हैं तो लेटेस्ट 6 मंथ का पेंशन स्टेटमेंट शो करना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।